हेलो एंड वेलकम टू डेली टॉपिक एनालिसिस। तो आज का टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। तो देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान का पॉलिसी कब आई, क्या इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं और कैसे ढेर सारे डायमेंशंस को कवर करता है और कैसे ओवरऑल एक बिहेवियरल शिफ्ट लाता है पीपल के थिंकिंग में अबाउट द सैनिटेशन एंड हेल्थ, और इसके कौन सब प्लान्स हैं और क्या चेंजेस आए हैं। स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कितने चेंजेस आए हैं। तो लेट्स मूव, पहले हम लोग देखते हैं कि सैनिटेशन और हाइजीन होता क्या है। सैनिटेशन मींस मेजर्स नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रोटेक्टिंग हेल्थ वेलबींग ऑफ द पीपल। सैनिटेशन इज एनी सिस्टम दैट प्रमोट्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, प्रॉपर यूज ऑफ टॉयलेट एंड अवॉइडिंग द ओपन स्पेस फॉर डिफिकेशन। तो सिंपली बहुत लूसी डिफिनेशन है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को मेंटेन करना, मैनेज करना, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना और साथ ही साथ टॉयलेट और अदर ओपन टॉयलेट का प्रॉपर यूज़ करना और अवॉइड करना ओपन डिफिकेशन को। हाइजीन पर्टिकुलर रिफर करता है एक ऐसी प्रैक्टिस को ताकि आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकें, स्पेशली टू अवॉइड द इलनेस एंड स्प्रेड द प्रिवेंटेबल डिसीज, ताकि आप अवॉइड कर सकें इलनेस को और प्रिवेंटेबल डिजीजेस को। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन के हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है? तो मेजर इम्पैक्ट क्या होते हैं? हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स होते हैं। मॉर्बिडिटी को इंक्रीज कर देता है, पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम होता है, प्री मेच्योर डेथ्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़, आप प्रोन होते हैं बहुत डिजीज़ को तो कॉस्ट ऑफ डिजीज़ बढ़ जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक फिनेंशियल लॉस की तरफ शो करता है, आपको बहुत फिनेंशियल लॉस होता है एज वेल एज द हेल्थ लॉस भी होता है। प्रोडक्टिव टाइम लॉस्ट होता है, आप उस टाइम को यूज़ कर कहीं प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं और कुछ पे मॉनेटरी रिन्यूमरेशन गेन कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू हेल्थ यू आर स्टक इन लो प्रोडक्टिविटी, तो ये प्रॉब्लम हो गई। फिर डोमेस्टिक, तो पहला है हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट हो गया, दूसरा डोमेस्टिक वाटर रिलेटेड इम्पैक्ट हो गया। इसमें क्या है कि हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर करना पड़ता है, यूज़ ऑफ बॉटल्ड वाटर लाना पड़ता है, इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, तो चार्ज पे करना पड़ता है। वाटर बींग गॉड गिफ्टेड थिंग, हमको खरीदना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। अपोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टेनिंग पाइप वाटर को ऑप्टेन करने के लिए कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है। टाइम कॉस्ट ऑफ फेचिंग क्लीनर वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, तो डोमेस्टिक वाटर रिलेटेड इम्पैक्ट होते हैं। फिर एक्सेस टाइम इम्पैक्ट होता है, हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, डोमेस्टिक इम्पैक्ट हो गया, फिर थर्ड एक्सेस टाइम इम्पैक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल टाइम इज स्पेंट फॉर एक्सेसिंग शेयर टॉयलेट आर ओपन डिफिकेशन साइट्स, अब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम स्कूल एंड वीमेन फ्रॉम दियर वर्कफोर्स। तो ये एक बड़ा कारण है कि शेयर टॉयलेट में बहुत टाइम लॉस होता है, एडिशनल टाइम लॉस होता है, ओपन डिफिकेशन के लिए दूर के साइड पर जाना पड़ता है तो टाइम लॉस होता है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से उनका इनरोलमेंट रेशियो इसलिए कम होता है कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं टॉयलेट की, स्पेशली गर्ल्स चिल्ड्रेन के लिए, और फिर वीमेन को वर्कफोर्स पे प्रॉब्लम होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लास्ट है टूरिज्म इम्पैक्ट, तो पोटेंशियल लॉस ऑफ द टूरिज्म रिवेन्यू, तो इसका टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म आना कम पड़ेगा कि अच्छी फैसिलिटीज़ सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, दे आर प्रोन टू मोर, अगर डिजीज़ को प्रोन होंगे तो सिंस पीपल कमिंग फ्रॉम दी अदर कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए वो ऐसी कंट्रीज़ में आना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। तो ये इम्पैक्ट है पुअर सैनिटेशन का। कुछ स्टेप्स हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप लिए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो उनका हम इवोल्यूशन देखें, हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखें, तो 1980s में इंडिया ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम स्कीम चलाया था 1980s में, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम चलाया था 1980 में। और फिर इसके बाद सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ये चलाया गया 1986 में।
ड्यूरिंग इंटरनेशनल वाटर एंड सैनिटेशन डिकेड, तो 1980 और 90 के को कहा जाता है इंटरनेशनल सैनिटेशन डी, इंटरनेशनल वाटर एंड सैनिटेशन डिकेड। तो उस पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो काम किए, दो स्कीम्स चलाए, एक ILCS इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन 1980 में और दूसरा सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में। फिर गवर्नमेंट ने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज रीस्ट्रक्चर, इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया 1996 में, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया फॉलोइंग विच अ कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन कम्पेन, तो उसको और ज़्यादा कम्युनिटी लेड बनाकर टोटल सैनिटेशन कम्पेन में कन्वर्ट कर दिया गया, टोटल सैनिटेशन कम्पेन में कन्वर्ट कर दिया गया 1996 में। फिर 1999 में निर्मल भारत अभियान चलाया गया, 1990 में निर्मल भारत अभियान NBA चलाया गया, जो लॉन्च किया गया, जो जिसने रिप्लेस कर दिया टोटल सैनिटेशन कंपेन को, उसको रिप्लेस कर दिया। हियर वॉज प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिटी लेड सैनिटेशन इन द रूरल एरिया, इसको जो कम्युनिटी लेड सैनिटेशन का जो कंपेन था उसको रूरल एरिया तक स्प्रेड किया गया निर्मल भारत अभियान के तहत। फिर 2004 में अर्बन सैनिटेशन स्टार्टेड रिसीविंग अटेंशन आफ्टर पुणे डिक्लेरेशन, तो पुणे डिक्लेरेशन होता है, पुणे डिक्लेरेशन किस पे होता है, ऑन प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल सैनिटेशन इन अर्बन एरियाज, तो पुणे डिक्लेरेशन होता है ऑन प्रोविजन ऑफ अर्बन सैनिटेशन, प्रोविजन ऑन पुणे डिक्लेरेशन, वी नीड टू रिमेंबर पुणे डिक्लेरेशन होता है 2004 में, और ये डिबेट था यूनिवर्सल सैनिटेशन इन अर्बन इंडिया पर डिबेट था। तो कहीं ना कहीं अर्बन सैनिटेशन का कंसेप्ट यहीं से इमर्ज होकर आता है और एक रोबस्टनेस आती है अर्बन सैनिटेशन प्रोग्राम्स में। और फिर 2005 में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम आता है, लॉन्च किया जाता है। फिर 2008 में नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी आती है, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2008 में लाई जाती है। उसके बाद 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया जाता है, इसके दो सब डिविजन्स थे, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसका विजन था कि क्लीन इंडिया बनाया जाए अक्टूबर 2019 तक में, तो इसका जो लास्ट डेट है अक्टूबर 2019 तक में जो विजन है क्लीन इंडिया का उसको अचीव करना इसका मेन विजन है। तो अब देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एलिमिनेट करना ओपन डिफिकेशन को, टोटली एलिमिनेट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन ऑफ इनसेनेटरी टॉयलेट टू पुअर फ्लश टॉयलेट, प्योर फ्लश टॉयलेट्स में जितने भी इनसेनेटरी टॉयलेट हैं उनको प्योर फ्लश टॉयलेट में कन्वर्ट करना। फिर इरेडिकेट करना, इरेडिकेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना। फिर 100% कलेक्शन एंड साइंटिफिक प्रोसेसिंग डिस्पोजल रीयूज रिसाइकिल ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट को भी मैनेज करना, रिसाइकिल करना, 100% उसको कलेक्ट करना और साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करना, डिस्पोज करना, फिर रिसाइकिल करके उसको रीयूज में लाना। अगला इसका ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज लाना पीपल में रिगार्डिंग द हेल्थ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, तो हेल्थ और सैनिटेशन रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बिहेवियरल चेंज आए, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप हो, हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप हो, तो इन सबको डेवलपमेंट करने के लिए एक वेब चलाई गई। और फिर जनरेट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स अबाउट द सैनिटेशन एंड लिंकेज विद द पब्लिक हेल्थ, इसको जनरेट करना, एजुकेशनल करिकुलम में भी इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। फिर स्ट्रेंथन करना लोकल बॉडीज़ को ताकि वो डिज़ाइन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें और ऑपरेट कर सकें, ये ढेर सारे सैनिटरी और हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकें उनको। और फिर है लास्ट है टू क्रिएट इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी इंसेंटिवाइज करना कि यू कैन कम एंड कंट्रीब्यूट इन टू द इम्प्रूविंग द सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन इंडिया, तो इंडिया में सैनिटेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उनको भी इन्वाइट किया गया। फिर कंपोनेंट इसके क्या हैं, इसके मेजर कंपोनेंट क्या हैं, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस होल्ड टॉयलेट, कम्युनिटी एंड
पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को देखना। तो अगर थोड़ा नोट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओपनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय ओपनिफिकेशन। तो ओपनिफिकेशन एक प्रैक्टिस होती है ऑफ डिफिकेटिंग आउटसाइड पब्लिक, तो गाँव वाँव में खेतों में जाते हैं डिफिकेट करने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड ओपनिफिकेशन। दिस मे बी डन एज ए रिजल्ट ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, और कहीं ना कहीं एक कल्चरल प्रैक्टिस भी होती है, कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ओरिटी से लिंक किया जाता है इसको, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कंसेप्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन को। ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस दिया जाता है, एक गाइडलाइन है एज पर स्वच्छ भारत मिशन की, ओपन डिफिकेशन उसको डिफाइन किया जाएगा, स्टेटस उसको दिया जाएगा जो टर्मिनेशन ऑफ फीशियल ओरल ट्रांसमिशन, जो फीशियल ओरल ट्रांसमिशन है, दैट इज़ नो विजिबल फीसेस फाउंड इन द इन्वायरमेंट विलेज एंड एवरी हाउस होल्ड एज वेल एज द पब्लिक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस यूजिंग द सेफ टेक्नोलॉजी ऑप्शंस। तो जब इस लेवल पे, विलेज लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे और जितने भी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फीसेस फ्री बनाया जाए, कोई विजिबिलिटी ना हो फीसेस की, एनी टाइप क्या कहते हैं हम सैनिटरी प्रॉब्लम ना हो, तो उनको बोला जाता है ओपन डिफिकेशन फ्री। तो वहाँ पर कोई फीस विजिबिलिटी ना हो, फीसेस दिखाई ना पड़े। फिर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया ओपन डिफिकेशन प्लस, ओपन डिफिकेशन प्लस प्लस स्टेटस देना। बोथ द प्रोटोकॉल्स इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी, और इसमें क्या हुआ कि सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर इंक्लूड किया गया एस्पेक्ट, साथ ही साथ कम्युनिटी और पब्लिक मेंटेनेंस, टॉयलेट मेंटेनेंस पर फोकस किया गया, फंक्शनैलिटी एंड लिक्विड वेस्ट फीकल स्लज एंड सेपरेट मैनेजमेंट, फंक्शनैलिटी एंड लिक्विड वेस्ट को देखा गया, साथ ही साथ फीसियल स्लज एंड सेपरेट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया। ओपन डिफिकेशन प्लस का मतलब होता है फोकस ऑफ ओपन डिफिकेशन प्लस प्रोटोकॉल इज ऑन सस्टेनिंग टॉयलेट यूज़ जस्ट बाई इंश्योरिंग दियर फंक्शनैलिटी, क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस। तो प्लस में तीन चीज़ें फोकस किया गया, फंक्शनैलिटी पे कि बहुत फंक्शनल होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए और मेंटेनेंस भी कंटिन्यूसली उसको मेंटेन भी किया जाए, इस प्रोसेस को ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को कंटिन्यूसली मेंटेन भी किया जाए। फिर दूसरा ओपन डिफिकेशन प्लस प्लस ये फोकस करता है कि आप सैनिटेशन सस्टेनेबिलिटी भी अचीव करें बाई एड्रेसिंग कंप्लीट सैनिटेशन वैल्यू चेन, पूरे सैनिटेशन वैल्यू चेन को, मतलब कि प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि क्या कहते हैं कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस ना हो जो क्या कहते हैं सैनिटेशन को डिस्टर्ब करते हों, इंक्लूडिंग सेफ एंड कंप्लीट फेशियल स्लज मैनेजमेंट भी होना चाहिए, टॉयलेट का अच्छा होना चाहिए और अच्छे ग्रेड के टॉयलेट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि टॉयलेट ही खुद क्या कहते हैं सैनिटरी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो उन सबको भी कंसीडर किया गया स्टेटस को बढ़ाकर। फिर आगे हम लोग देखें तो इसके कुछ सब प्लान है, इसके दो सब प्लान हम लोगों ने देखा कि एक स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसका एम है कि अर्बन एरिया को फ्री एंड ओपन डिफिकेशन बनाना है 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल बनाना है और अचीव करना है, फ्री एंड ओपन डिफिकेशन बनाना, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है पूरे अर्बन प्लेसेस के इंडिया को, और 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो इंडिया में पूरे 4041 स्टैचुटरी टाउन्स हैं, सब जगह एक 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंश्योर करना है। और इसका अगला सब स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका एम है कि वो इम्प्रूवमेंट लाएगा जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरिया बाय प्रमोटिंग क्लीनलीनेस हाइजीन और इलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ये दो उसके सब स्कीम हैं स्वच्छ भारत मिशन के। तो इस रिगार्ड में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट चलाया है ताकि स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट किया जा सके। तो नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो भी सपोर्ट करता है स्वच्छ भारत अभियान को। नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स द्वारा, जो कंपराइजिंग द विलेज द मेकिंग द विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा ओपन डिफिकेशन। तो जितने भी विलेजेस रिवर गंगा के
बैंक भी आते हैं उन सबको ओपन इंडिफिकेशन फ्री बनाने का भी टारगेट रखा गया है नमामि गंगे प्रोग्राम की तरफ। तो इसमें उत्तराखंड आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है और वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट में नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया है। ये टारगेट है कि जितने भी विलेजेस रिवर गंगा के बैंक पे आते हैं उनको ओपन इंडिफिकेशन फ्री बनाना है। साथ ही साथ कुछ इंटरवेंशंस ले जाएंगे डीलिंग विद द सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के भी क्या कहते हैं इंटरवेंशंस ले जाएंगे, बींग इंप्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो नमामि गंगे कन्वर्जन से 2 मिनिस्ट्रीज़ का, एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन ये दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पर मर्ज होते हैं और नमामि गंगा प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है। फिर अगला इसी में जो तो कहीं ना कहीं नमामि गंगा जो असिस्ट करता है स्वच्छ भारत अभियान को, स्वच्छ भारत एक्शन, स्वच्छ एक्शन प्लान सैप, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम है ऑफ ऑल यूनियन मिनिस्ट्रीज, लगभग जितने यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं उनका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मिशन है, प्रोग्राम है स्वच्छता के लिए। ये स्वच्छ एक्शन इसका जिसे स्वच्छ एक्शन प्लान कहा जाता है, ये स्टार्ट किया गया है, स्टार्टेड टू वर्क फॉर इट्स रिलाइजेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर विथ अप्रोप्रिएट बजट प्रोविजन किया गया। फिर स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, इसका एम था कि ब्रिंगिंग अ फोर्ट नाइट ऑफ इंटेंस फोकस ऑन द इशू एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द स्वच्छता बाई इंगेजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज़ को डिपार्टमेंट का जिस जिनके जुरिस्डिक्शन में स्वच्छता का कंसेप्ट आता है, तो स्वच्छता पखवाड़ा लिया गया। तो ये भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक कंपेन था जो कंपेन चलाया गया ताकि एक इंटेंस फोकस लेट डाउन किया जा सके स्वच्छता के कंसेप्ट पे और उस स्वच्छता के इशूज़ पर। फिर स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, SSS, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, ये स्कीम लॉन्च किया गया। इसका मेन फोकस था कि वास पैरामीटर्स को इम्प्रूव किया जाए, वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ के पैरामीटर्स को इम्प्रूव किया जाए, प्रियोरिटी दिया जाए ओपन इंडिफिकेशन एक्शंस को इन द एरियाज अराउंड द आइडेंटिफाई हेल्थ सेंटर, और एडवांस सैनिटेशन ट्रेनिंग दिया जाए डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को। ये था स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र प्रोग्राम। तो ये वास मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ पर फोकस करता है। फिर अगला स्कीम है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। इसका प्लान है कि वो डिसिमिनेट करेगा इन्फॉर्मेशन ऑन सैनिटेशन मैटर एंड एडवांस टॉयलेट टेक्नोलॉजी अमंग द पीपल। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का मेन ही टारगेट है कि वो सैनिटेशन मीट जो पैरामीटर्स हैं मीटर्स हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करेगा इंडिविजुअल्स तक, कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स तक। साथ ही साथ ये टॉयलेट टेक्नोलॉजी, एडवांस टॉयलेट टेक्नोलॉजी है उसका प्रमोशन करेगी ये स्कीम। फिर अगला है कि स्वच्छ आइकोनिक प्लेस डीमार्केट किए गए हैं। मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो फोकस करता है लगभग 100 ऐसे आइकॉनिक प्लेस को इंडिया में तलाश करना है जिनको आइकॉनिक स्टेटस दिया जाएगा ड्यू टू इट्स हेरिटेज रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस, एक स्वच्छ आइकॉनिक स्टेटस दिया जाएगा। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ऑर्गेनाइज किया जाता है दोनों रूरल और सैनिटेशन, रूरल और अर्बन दोनों। तो अभी 2018 से रूरल स्टार्ट किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण। ये रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एसेस करती है कि रूरल और अर्बन एरियाज में के लेवल में कितना क्लियरनेस और कितना एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये स्वच्छ भारत मिशन का और कितना टाइमली इनोवेशन आ रहा है। तो वास देखते हैं, वास जो भी आया था जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण वाले स्कीम में जिसपे फोकस किया स्वास्थ्य, तो वास क्या होता है, वास वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे फोकस करता है। यूनिवर्सल अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एक्सेस टू द वास को इंश्योर करना चाहता है और इसको एक की पब्लिक हेल्थ इशू के फॉर्म में नोटिफाई करता है कि ये एक की पब्लिक हेल्थ इशू है और ये एक फोकस पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 जो है वो फोकस करता है वास पे। तो वास एक बहुत बड़ा कंपेन है, WHO द्वारा भी चलाया जा रहा है, वास पे बहुत फोकस चल रहा है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो असिस्ट करेंगे किसको स्वच्छ भारत अभियान में। तो उसके रिगार्ड क्या क्या लिया गया है, हमने देखा नमामि गंगा, स्वच्छ
स्वच्छता एक्शन प्लान चलाया गया है, स्वच्छ पखवाड़ा हो गया, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र का कंसेप्ट हो गया, फिर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस और स्वच्छता सर्वेक्षण, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स चलाए गए हैं जो फोकस करते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर। तो हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आए हैं अभी तक। तो हम 2014 से लॉन्च किया गया है, साढ़े चार साल बीत गए, तो क्या इसके आउटकम रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत डैशबोर्ड के द्वारा, जो डैशबोर्ड शो करता है, अबाउट 890 लाख टॉयलेट्स डेवलप किए गए हैं इस लास्ट के 4 ईयर में। लाख टॉयलेट्स डेवलप किए गए हैं इन द रूरल एरियाज, स्पेशली रूरल एरियाज में इस प्रोग्राम के तहत। एज़ पर 2018 के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टॉयलेट कवरेज है वो इंक्रीज हो गया है 96% हाउस होल्ड एज़ कम्पेयर टू 37% 2014। तो 2014 में ये केवल कितना था, 37%। अब ये 2018 ओनली इन 4 ईयर्स ये 96.51% कवर इसका बढ़ गया है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। फिर अगला देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, इस रूलर वो क्लेम करता है कि जो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अभी तक दिया जा चुका है। मतलब 25 स्टेट और टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस प्राप्त कर लिए हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 533 आउट ऑफ 718, जो 718 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, उसमें से 533 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने भी ये स्टेटस प्राप्त कर लिया है। और फर्दर देयर आर 525.29 लाख विलेजेज ऐसे हैं जो इस स्टेटस को प्राप्त कर लिए हैं। तो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अचीव कर लिए हैं, 533 डिस्ट्रिक्ट, 718 में से 533 डिस्ट्रिक्ट अचीव कर लिए हैं, और 5.29 लाख विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव कर लिए हैं। इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज 55.5 मिलियन टॉयलेट को इस्टेब्लिश किया गया। हम लोग देखें कि रूरल एरियाज में 89 मिलियन, रूरल एरियाज में 89 मिलियन और अर्बन एरियाज में 55.5 मिलियन टॉयलेट्स डेवलप किए गए। एक मिनट, तो रूरल एरियाज में कितने डेवलप किए गए, रूरल एरियाज में 89 मिलियन और अर्बन एरियाज में टोटल टॉयलेट कितने डेवलप किए गए, 5.5 मिलियन टॉयलेट डेवलप किए गए। तो ओवरऑल देख सकते हैं हम लोग कितना डेवलप किए गए, समवट 95% टॉयलेट मिलियन टॉयलेट्स डेवलप किए गए इस लास्ट के 4 ईयर में। और अराउंड अराउंड 400,000 ऑफ दीज आर पब्लिक टॉयलेट, और लगभग इसमें से 0.4 मिलियन जो हैं वो पब्लिक टॉयलेट डेवलप किए गए हैं। देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, 80% ऑफ अर्बन वार्ड हैज़ बिन कवर्ड एज़ पर जुलाई 2018 के हिसाब से 80% वार्ड जो हैं पूरे भारत में, वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन शुरुआत कवर कर लिया गया है। फिर आगे देखते हैं, तो ये रिपोर्ट जो शो करता है, रिपोर्ट शो करता है कि टोटल टॉयलेट बिल्ड कितने हैं, 889 मिलियन, आर टू से 890 लाख टॉयलेट डेवलप किए गए हैं। 57.81% इंक्रीज आया है हाउस होल्ड विथ टॉयलेट में, एज़ पर 2014 के हिसाब से, 2014 में जितने थे उसमें उसके अकॉर्डिंगली 58% लगभग इंक्रीज आया है हाउस होल्ड विथ टॉयलेट में। टोटल टॉयलेट बिल्ड इन 2018-2019 में, ओनली इन वो टोटल टॉयलेट बिल्ड इन 2014 से 2018 के बीच में, 2018-19 में 1,88,23,442 टॉयलेट डेवलप किए, मतलब कि लगभग 2 करोड़ टॉयलेट डेवलप किए गए 2018 में, 2018 और 19 में।
डेवलप किए जाएंगे, सॉरी इट इज़ टारगेटेड, इतना टारगेट किया गया है कि 2 करोड़ टॉयलेट्स बिल्टअप किए जाएंगे 2018-2019 में। और फिर 533 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के ऐसे हैं जो अपने डिफिकेशन फ्री स्टेटस इनको दे दिया गया है, सेल्फ डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। और 441,207 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। और 529,000 ऐसे विलेजेस हैं, ये पंचायत हैं, ग्राम पंचायत में कई विलेजेस आ जाते हैं, तो पंचायत 240,000 हैं और 530,000 विलेजेस ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस पा लिए हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं स्कीम के साथ, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस के साथ। वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन हैज़ बीन ओवर इम्फेसिस ऑन द टॉयलेट, तो टॉयलेट पे बहुत ओवर इम्फेसिस किया जा रहा है इस प्रोग्राम में। द ओपन डिफिकेशन स्टेटस हैज़ प्राइमरली अवॉर्डेड टू द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट नंबर ऑफ द टॉयलेट, तो जो टॉयलेट नंबर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गया, सबके पास टॉयलेट हो गया, तो उसको ओपन डिफिकेशन फ्री बना दिया था। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे कॉन्स्ट्रेंट हैं, कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, टॉयलेट्स होने के बावजूद भी ओपन डिफिकेशन फ्री कंटिन्यू रहता है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर कंटिन्यू रहता है ड्यू टू सोशल प्रॉब्लम्स। फिर तो लेकिन तो ये मेन ये पैरामीटर्स नहीं हो सकता है कि आप टॉयलेट्स बनवा दिए तो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस उसको मिल जाएगा। अगर पर हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड के पास टॉयलेट है, तो इसका मतलब नहीं होता है कि वहाँ पर ओपन डिफिकेशन नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया जा रहा है टॉयलेट पर इस अभियान के तहत। फिर डाटा के साथ प्रॉब्लम है। इट हैज़ बीन ऑल्सो एलिज दैट देयर इज़ ओवर रिपोर्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट सेट टारगेट ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, तो कहीं ना कहीं ओवर रिपोर्टिंग के भी केसेस आते हैं, कुछ डाटा ऐसे बताते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन इशू चल रहा है। 51th राउंड ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट 2018 ने हाईलाइट किया कंसर्न ओवर द ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट, उस पर कंसर्न रेस किए गए कि बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं टॉयलेट और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बैड है। तो रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फॉल बैक रेट ऑफ द ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस इन द पास्ट वॉज हाई ड्यू टू द नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टॉयलेट, तो जो फॉल बैक था कि जो जिनको ओपन डिफिकेशन फ्री का स्टेटस दे दिया गया लेकिन वो फिर से अपने स्टेटस को लॉस कर देते हैं, उसका मेन रीज़न बताया गया एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का जो 51th राउंड था, उसने बताया कि जो मेन रीज़न ये है कि जो टॉयलेट बनाए जाते हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल, दे आर नॉट ड्यूरेबल, तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न था। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इशू भी है। अगला इशू देखें तो टॉयलेट यूजेस, टॉयलेट को यूज़ करना भी में भी प्रॉब्लम है। ये स्वच्छ भारत अभियान हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली ऑन ए सप्लाई साइड इंटरवेंशन था, एक सप्लाई साइड कि टॉयलेट सबको टॉयलेट का प्रोविजन कर दिया जाएगा, सबके हर हाउस होल्ड के पास टॉयलेट हो, तो देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, तो काफ़ी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत ढेर सारे 890 लाख टॉयलेट डेवलप किए गए, तो टॉयलेट तो काफ़ी सफिशेंटली डेवलप किए गए, लेकिन इनका यूज़ अनसेटिस्फैक्टरी स्पेशली रूरल एरियाज़ में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 बताता है कि जो ओपन डिफिकेशन रिमेंस फेयरली हाई इन द रूरल एरियाज़ ऑफ बीमारू स्टेट, तो बीमारू स्टेट के रूरल एरियाज़ में फेयरली हाई है, बहुत हाई है, लगभग 50% से भी अबव है अब भी। फिर बिहेवियरल इशू को भी नहीं डील कर पा रहा है। रिलीजन एंड द कास्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एन इंडिविजुअल इज लाइकली टू यूज टॉयलेट आर नॉट, तो रिलीजन और कास्ट वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल यूज़ करेगा टॉयलेट को कि नहीं यूज़ करेगा। ओपन डिफिकेशन रिमेंस अ कॉमन प्रैक्टिस इन डिफरेंट रूरल एरियाज़ में इन सब कल्चरल सोसाइटल फैक्टर का कारण अब भी एक चैलेंज है। ओपन डिफिकेशन अब भी कंटिन्यू है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सैनिटरी और हेल्थ को रिलेटेड ये कंसर्न है। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट, दो देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, ओनली 1/3 ऑफ द वेस्ट बींग जनरेटेड इज बींग प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग हमारी बहुत स्लो है, हमारे पास वो फैसिलिटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारा जो स्पीड है प्रोसेस करने का वो बहुत कम है। आई थिंक एक रिपोर्ट था उसमें 38 समथिंग था, इतना परसेंट प्रोसेस हो पाता है बस, तो ये इस फ्रंट पर हम बहुत लैग करते हैं। तो मैनुअल स्क्रंजिंग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैनुअल स्क्रंजिंग, तो इस कंपेन में, स्वच्छ भारत अभियान के कंपेन में फोकस नहीं किया गया मैनुअल स्क्रंजिंग पे।
2013 का एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑन माइनर एक्सचेंजिंग एक्ट। एक्ट के बावजूद होने के बावजूद भी जो माइनर एक्सचेंजिंग के इंस्टेंसेस देखे गए हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो क्रिटिक हैं वो ओपिनियन करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जो मैनुअल स्क्रंजिंग के इरेडिकेशन पे फोकस करे, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए एज अ वर्कर के फॉर्म में, तो इस पर बहुत फोकस नहीं किया है। इनका प्रीडोमिनेटली फोकस रहा है कि आप टॉयलेट बिल्ड करिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि टॉयलेट को क्लियर कौन करेगा। तो टॉयलेट को क्लियर करने के मैनुअल स्क्रंजर्स लाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, और काफ़ी ज़्यादा डेथ रिपोर्ट किए गए हैं। आई थिंक कि लास्ट के ईयर में 500 समथिंग मैनुअल स्क्रंजर की डेथ हुई। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है जहाँ पर नहीं है। देयर हैज़ बिन इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्योरिंग मैकेनाइज स्लज एंड पम्प मशीन पे, मैकेनाइज जो स्लज और पम्प मशीन है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। कंपेन डज नॉट एड्रेस रीवर्किंग ऑफ द ग्राउंड सीवेज सिस्टम। तो ग्राउंड सीवेज सर्विस जो सिस्टम है उसको भी रीवर्क नहीं किया जा रहा है। जो पुराने हमारे ग्राउंड सीवेज सिस्टम है वो कंटिन्यू चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको क्लीन करने के लिए अब भी मैनुअल स्क्रंजर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको यूज़ किया जाते हैं। जबकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप यूज़ कर रहे हैं मैनुअल स्क्रंजर को, क्या कि उनको हेल्थ उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड होता है। फिर अगला देखें तो कुछ वे फॉरवर्ड हैं। गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट की डिमांड क्रिएट करनी है, ऐसा नहीं कि आप सप्लाई करते रहिए, कि आप सीधे टॉयलेट देते रहिए। कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, वेदर इट इज़ बिहेवियरल चेंज आर नीड ऑफ नेसेसिटी, कि डिमांड हो टॉयलेट की, ना कि सप्लाई दिया जाए। तो शुड कंसंट्रेट ऑन क्रिएटिंग अ डिमांड। पॉलिसी मेकर्स मस्ट इंश्योर दैट द लार्ज प्रपोर्सन ऑफ द फंड्स आर डायरेक्टेड टूअर्ड एजुकेटिंग पीपल। पीपल को एजुकेट करेंगे, दे वुड बी कंसर्न अबाउट द हाइजीन एंड सोशल एंड सैनिटेशन, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, हेल्थ कंसियस होंगे, तो वो कंटिन्यूसली तब यूज़ करेंगे वो टॉयलेट्स को। और एक सोशल मार्केटिंग करनी होगी टॉयलेट के कंसेप्ट को सोशलाइज करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल तक। अगला कैसे क्या कर सकते हैं, टू एड्रेस द इशू ऑफ ओवर आर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट सेट टारगेट। वेरीफिकेशन ऑफ द फैक्ट ऑन द ग्राउंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो फैक्ट इन ग्राउंड है उनको वेरीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके डाटा शो कर देते हो कि इतने टॉयलेट डेवलप हो गए, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड पर इतना बने नहीं होते, इतने कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हम। फिर अगला, पुअर फैसिलिटीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा शुड बी क्रिएटेड। प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा शुड बी क्रिएटेड। तो एक प्रॉपर फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए थी, जो एक्सक्रेटरी फिसल्स हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जा सके, ताकि वो सैनिटरी और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू या चैलेंज ना क्रिएट कर सके। अगला है, वेरियस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द टॉयलेट। तो टॉयलेट से वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोज करना और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को देख रेख किया जा सके। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इरेडिकेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ द मैनुअल स्क्रंजिंग। आप टेक्नोलॉजी यूज़ करिए क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो मैनुअल स्क्रंजर्स का जो यूज़ होता है, जो मैनुअल स्क्रंजर्स को बुलाया जाता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स एंड अदर प्लेसेस, तो उसको कम किया जा सकता है। एम्पावरिंग द लोअर कास्ट बाई इंकरेजिंग देम टू परस्यू अल्टरनेटिव जॉब एंड पॉसिबली प्रोवाइडिंग देम विद सब्सिडीज टू कंस्ट्रक्ट लैट्रिन फैसिलिटीज कैन आल्सो बी स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकते हैं। तो ये था हम लोग का स्वच्छ भारत अभियान। थैंक यू वेरी मच।